तो आइए आज कच्चे आलू से टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। तो ये आलू लिए हैं चार, और ये कॉर्नफ्लोर, और ये लाल मिर्च पाउडर, ये अदरक और लहसुन का दरदरा कूट लिए हैं, और ये है भुना हुआ जीरा पाउडर। तो पहले आलू को कद्दूकस करते हैं। तो ये आलू लिए हैं, छील लिए हैं अच्छी तरह से और धो लिए हैं। तो इसको इसमें कद्दूकस करते हैं, इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं, और इसमें पानी डालते हैं और इसको अच्छी तरह से धोएंगे। तो डालते हैं पानी, तो ये देखिए कद्दूकस कर लिए हैं। इसको अब धो लेते हैं और इसको निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे। रही हम से इसमें पानी नहीं रहेगा, इसे देखिए इसमें रखेंगे और पानी डाल के धो लेते हैं फिर से। तो ये पूरा अच्छी तरह से धो लिए हैं, पानी पूरा साफ़ हो गया है। तभी अच्छी तरह से निचोड़ के इसको रखेंगे एक बाउल में। तो इसमें नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, और अभी नमक डालेंगे तो इसमें से फिर से पानी निकलने लगेगा। तो पानी फिर से निचोड़ लेंगे एक बार मिलाने के बाद। तो ये देखिए नमक डाल दिए तो इसमें पानी पूरा पानी पानी हो गया। तो इसमें फिर से निचोड़ते हैं कितना निकलता है पानी। देखिए निकल रहा है। इसको अलग में से रखें। तो ये आलू निचोड़ लिए हैं अच्छी तरह से, तो इसी में डाल रहे हैं। चार आलू लिए हैं तो चार चम्मच कॉर्नफ्लोर डालते हैं। और एक चम्मच इसमें मैदा डाल दे रहे हैं बाइंडिंग के लिए, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर, और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दरदरा कूट लिए हैं। और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं रसोई की तरफ। तलने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, तेल गर्म हो गया है। तो इसको इसे पत्ता में करके बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गोल बना लिए हैं, और इसको इसे हाथ से दबाएंगे और धीरे धीरे बनाएंगे गोल। तो ये देखिए पूरा गोल बन गया है। तो इसको इसे हाथ से उचाड़ के डाल देते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से पूरा फ्राई हो गया है, पूरा कलर आ गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कच्चे आलू से टेस्टी नाश्ता बन के तैयार है, पूरा क्रिस्पी बना है। देखिए पूरा साउंड कर रहा है, क्रिस्पी आता है।